Hello everyone, good morning, how are you all? Hope you all fine. Okay, in this week we are all discuss about number names matching and 1 to 70 missing numbers, triangle shape name triangle, and one new topic, tens ones. Okay, come, let's start here. This is number names with match the numbers. मैं already line भी डाल के रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा disturbance हो रहा है, इसलिए पहले बना के रख दिया, आपको दिखा देती हूँ मैं. Okay, what is the number here? One. You are all learn spelling of number one. O-N-E, one. Okay. One. Where is the picture? One picture here. What is this? Ice cream. One ice cream here. Okay. So you have to match first one to one ice cream, then O-N-E, one. Spelling O-N-E, one. You have to match here to here. One, number two, one ice cream, then O-N-E, one here. Aise. Right. Then what's the number here? 2. What's the number here? 2. What's the spelling of 2? T-W-O, 2. Where is the spelling 2? T-W-O, 2 here. Where's the picture? 2 pictures. 1, 2 here. So here have to draw a line, 2, 2, 2 apples. Then 2 spelling. T-W-O, 2, 2. Here to here. Right. What is the number here? 3. What is the spelling? T-H-R-E-E. 3. Okay. First we have to match picture 3. 1, 2, 3. You have to draw a line. 3 to 3 apples. Then 3 apples to T-H-R-E-E. 3. Spelling. T-H-R-E-E. 3. Okay. Then what is the number here? 4. 4. What is the spelling for 4? F-O-U-R, 4. F-O-U-R, 4. You have to match first 4 to 4 smileys, then 4 to 4 spelling. F-O-U-R, 4. Then what is the number here? 5. Where is the picture? 5 ke liye picture kahan hai? Idhar. 5 flowers hai. 1, 2, 3, 4, 5. So you have to match first 5 flowers and 5 spelling. F-I-V-5 spelling here. Okay. Ye spelling bol bol ke, lik lik ke yaad kar lijiye. Tabhi aapko yaad hoga. Next, shape triangle. What is this? Shape triangle. आप लोग पहले ही मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को सिखाया, मैंने स्क्वायर एंड सर्कल सिखाया. स्क्वायर एंड सर्कल का स्पेलिंग आप लोगों को याद है? स्क्वायर एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, सर्कल सी आई आर सी एल ई सर्कल. ऐसे हमने स्क्वायर एंड सर्कल का स्पेलिंग सिखाया. इस हफ्ते हमने न्यू एक और शेप है, ट्राई एंगल. ट्राई एंगल वर्सेस triangle. Triangle का spelling है T-R-I-A-N-G-L-E. Triangle. T-R-I-A-N-G-L-E. Triangle. ये तीनों shape आप लोग draw करने के लिए भी सीखना है, सिर्फ color करने के लिए नहीं, draw करने के लिए भी सीखना है, फिर उसका spelling भी याद करके लिखने के लिए भी सीख के आना है. ठीक है, इस हफ्ते triangle का भी आपको एक वर्कशीट मिलेगा, वो भी करना है. नेक्स्ट टॉपिक है, ये रिविजन है, बिफोर आफ्टर बिटवीन बिफोर नंबर्स. ये पहले हम डिस्कस कर चुका है, ये रिविजन पेपर है. रिविजन के लिए एक वर्कशीट मैंने भेजा गया है आप लोगों को, ये दोबारा भी मैंने भेज रही हूँ. आप लोग ये बार बार करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आफ्टर बिटवीन बिफोर नंबर्स. सो बार बार आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मम्मी डैडी या तो दीदी भैया से देने के लिए बोल दीजिए. बार बार बैठ बैठ के आप कर लीजिए, तभी आपको ये इजी
याद होगा, ये इसलिए कर पाएगा। ओके, आफ्टर नंबर्स, आफ्टर नंबर्स यानी मैंने आप लोगों को क्या बोल के सिखाया, आफ्टर नंबर्स, आफ्टर नंबर्स यानी बाद में आने वाले नंबर्स, बिटवीन नंबर्स यानी दो नंबर के बीच में आने वाले नंबर्स, देन बिफोर नंबर यानी पहले आने वाले नंबर। ओके, इधर मैंने पहले ही कर चुकी हूँ, जस्ट डिस्कस करेंगे। वैसे ही आपको एक वर्कशीट मिलेगा, नंबर्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मगर आप खुद कर लीजिए, करने के लिए कोशिश कर लीजिए। ओके, आफ्टर नंबर्स, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नंबर हियर, 5, व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6, ओके, 12, 1 to 12, व्हाट कम्स आफ्टर 12, 1 3 13, 2 4 24, व्हाट कम्स आफ्टर 24, 2 5 25, व्हाट कम्स आफ्टर 36, 36 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 3 7 37, 40, व्हाट इज द नंबर हियर, 41, व्हाट इज द नंबर हियर, 41, व्हाट कम्स आफ्टर 41, 42, 42, व्हाट इज द नंबर हियर, 53, 53, व्हाट इज द नंबर हियर, 53, 53, व्हाट कम्स आफ्टर 53, 54, 54, व्हाट इज द नंबर हियर, 66, 66, व्हाट इज द नंबर हियर, 66, 66, व्हाट कम्स आफ्टर 66, 67, 67, ओके, ये पूरा आफ्टर नंबर्स है। ये अब बिटवीन नंबर्स यानी बीच में आने वाले नंबर के बारे में हम अभी सीखने वाले हैं। इधर कौन सी नंबर दिया गया है, फर्स्ट 9, देन ये 11, व्हाट कम्स बिटवीन 9 एंड 11, 9 और 11 के बीच में कौन सी नंबर आएगा। तब आप लोग आफ्टर नंबर्स याद रख लिया तो ये बिटवीन नंबर्स लिखना बहुत इजी होगा, क्योंकि 9 के बाद क्या नंबर आएगा, 1 0 10, ओके, बाद में आने नंबर जो बाद में आएगा वो नंबर लिख लिया, वो बिटवीन नंबर हो जाएगा इसमें, क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद इधर कौन सी नंबर दिया गया है, 11, ऑटोमेटिकली इधर 10 ही आएगा। ओके, व्हाट इज द नंबर हियर, 1 6 16, देन 1 8 18, 1 6 16 एंड 1 8 18 के बीच में कौन सी नंबर आएगा, व्हाट कम्स बिटवीन 16 एंड 18, व्हाट कम्स बिटवीन 16 एंड 18, बीच में 16 के और 18 के बीच में, 1 7 17, कौन सी नंबर आएगा इधर, 1 7 17, व्हाट इज द नंबर हियर, 2 0 20, देन 2 2 22, व्हाट कम्स बिटवीन 20 एंड 22, 22 के पहले और 20 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 2 1 21, ओके, 3 4 34 एंड 3 6 36, व्हाट कम्स बिटवीन 34 एंड 36, 3 5 35, व्हाट कम्स बिटवीन 47 एंड 49, 47 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 48, 49 के पहले कौन सी नंबर आएगा, 48, समझ में आ गया, ओके, 5 5 55 एंड 5 7 57, व्हाट कम्स बिटवीन 55 एंड 57, 5 6 56, ओके, व्हाट कम्स बिटवीन 61 एंड 63, 61 एंड 63 के बीच में कौन सी नंबर आएगा बोल के लिखना है, 61 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 62, उसके बाद 63 इधर दिया गया है, सो यू हैव टू राइट हियर 62, ये बिटवीन नंबर्स है। ओके, बिफोर नंबर्स, नाउ बिफोर नंबर्स, बिफोर नंबर्स यानी पहले आने वाले नंबर्स, व्हाट कम्स बिफोर 3, 3 के पहले कौन सी नंबर आएगा, 2, 3 के पहले कौन सी नंबर आएगा, 2, व्हाट कम्स बिफोर 14, 1 4 14 के पहले कौन सी नंबर आएगा, 1 3 13, 1 3 13, राइट, व्हाट कम्स बिफोर 28, 2 8 28, 28 के पहले कौन सी नंबर आएगा, 2 7 27, ओके, व्हाट कम्स बिफोर 31, 31 के पहले हम क्या नंबर लिखेंगे, 3 0
3030 लिखने के बाद ही 3131 लिख रहे हैं, है ना। तो अब इधर हम क्या लिखना है, 3030। व्हाट इज द नंबर हियर, 43। व्हाट कम्स बिफोर 43? 43 के पहले हम कौन सी नंबर लिखेंगे, 4242। व्हाट कम्स बिफोर 59? 59 के पहले हम कौन सी नंबर लिखेंगे, 5858। कौन सी नंबर लिखेंगे, 5858। ओके, व्हाट्स द नंबर हियर, 7070। हम 1 to 70 तक ही सीखा है ना, मैंने भी 1 to 70 तक ही ये आफ्टर बिफोर बिटवीन नंबर दिया है। ओके, 7070 के पहले कौन सी नंबर आएगा, 6969। ओके, ये बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आप लोगों को ये इजी होगा। अब न्यू टॉपिक है हमारा, टेंस एंड वंस। आप लोग ये ध्यान से सुन लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। वंस टेंस, सिंगल डिजिट नंबर को हम वंस बोलते हैं, टू डिजिट नंबर को हम उधर टेंस बोलते हैं। टेंस उसमें आएगा, वंस भी आएगा उसमें, ठीक है। वन डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक है आप लोगों को पता है, 1 to 9 तक है। वन डिजिट नंबर 1 to 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है। दो नंबर लिख रहे हैं ना हम, 1 फिर 0, वो 10 हो जाता है, उसको टेंस बोलते हैं। 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, ऐसे उसमें वंस भी है टेंस भी है। जो 1 1 लिख रहे हैं ना वो उसमें 10 आ गया, इसीलिए हम 1 लिख रहे हैं। 1 बार 10 आ गया इसीलिए 1 लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद 1 1 11 के लिए 1 लिख रहे हैं ना, 10 के बाद एक और ऐड हो गया, एक चीज़ ऐड हो गया या तो एक नंबर ऐड हो गया, उसको वंस बोलते हैं। ठीक, इसीलिए वंस में 1 लिख रहे हैं। इधर देखो, इधर मैंने बहुत सारे बिंदियाँ दिया गया है, इसमें कितना टेंस आ रहे हैं कितना वंस आ रहे हैं बोल के हम देखना है। पहले हम टेंस एक बार काउंट कर लिया, तो एक बार जितना तक मैंने 10 काउंट किया उसको हम सर्कल करना है। इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर तक आ रहा है, सो इधर से हम लेके ऐसे घुमा के ये पूरा हम सर्कल कर दिया। उसके बाद भी बिंदियाँ बची गई है, वो बिंदियाँ कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 4 बिंदियाँ बच गई है। मगर हम कितने बार हम 10 काउंट किया, एक ही बार काउंट किया, सो 1 टाइम आया है, तब टेंस में 1। ओके, कितना रिमाइंड हो गया, 1 2 3 4, वंस में 4, तो पूरा मिला के 1 4 14। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ऑरेंजेस, आप लोगों को बहुत पसंद है ना ऑरेंज, देख लो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ही 10 आ गया, सो इधर से हम लेके ऐसे हम एक सर्कल बना दिया। बाकी रिमाइंडर भी है, रिमाइनिंग ऑरेंजेस भी है, वो भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है। 1 टाइम हमने सर्कल कर दिया, तब पूरा ये 10 ऑरेंजेस एक साथ आ गया, इसीलिए 1। 1 टाइम 10 है, 1 बार 1 टाइम हमने 10 काउंट कर लिया। फिर रिमाइनिंग ऑरेंजेस 5 है, सो वंस में हमने लिखा है 5, सो 1 5 15। समझ में आ गया, ग्रीन मैंगोस, तब इधर कितना 10 आ रहे हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार 10 आ गया, तो इधर से हम जहाँ तक 10 आ गया उसको सर्कल करते हैं, रिमेनिंग मैंगोस 1 2 है, तब एक ही बार 10 आए, 1 टाइम 10, 1 10 2 मैंगोस रिमेन, सो 2 1 2 12। समझ में आ गया, 1 टेंस। देन इधर देखो, आप लोगों को बहुत पसंद है ना चॉकलेट्स, ब्लू कलर में चॉकलेट्स है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद कुछ भी नहीं है इधर पूरा, इसीलिए हम पूरा इसको ऐसे ही सर्कल करेंगे,
तब वन टाइम टेन आ गया, रिमेनिंग कुछ भी नहीं है इसलिए वंस में ज़ीरो डाल दिया, तब वन ज़ीरो टेन, राइट। फ्लावर्स काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इधर तक टेन आ रहा है। सो इधर से लेके ऐसे हम पूरा सर्कल कर दिया, बाकी कितना फ्लावर्स बच गया वो वन टू थ्री है, ओके। तब वन टाइम टेन हमने काउंट किया, सो वन टाइम टेन वन, देन रिमाइनिंग फ्लावर्स थ्री, सो वन थ्री थर्टीन, ओके। व्हाट इज दिस लॉलीपॉप, व्हाट इज दिस लॉलीपॉप, काउंट द लॉलीपॉप्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इधर तक टेन आ रहा है, सो वी हैव टू सर्कल हियर टू हियर, एंड हाउ मेनी लॉलीपॉप्स रिमाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लॉलीपॉप्स ही रिमाइन आया है। तब वन टाइम ही हम इधर भी टेन काउंट किया, वन टेंस में वन लिख लिया, तब कितना बाकी बच गया, एट वंस में एट, तब वन एट एटीन, एटीन लॉलीपॉप्स, ओके। ऐसे आप लोगों को एक वर्कशीट मिल जाएगा, वो वर्कशीट भी आप बैठ के ध्यान से कर लीजिए, वंस एंड टेंस, ये वीडियो देख के साथ में भी बैठ के कर सकते हैं, सेम पिक्चर नहीं होगा, डिफरेंट पिक्चर होगा, मगर आप बैठ के समझ के कर सकते हैं, ओके। मिसिंग नंबर्स लास्ट वीक मैंने दिया है 1 to 60, उसके पहले भी दिया है 1 to 60, 1 to 70 पूरा लिखने के लिए दिया है लास्ट वीक, इस बार मैंने दिया गया है 1 to 70 रिविजन के लिए मिसिंग नंबर्स। आप लोग 1 to 70 तक मिसिंग नंबर्स लिखना है, जो जो नंबर मैंने उधर गायब हो गया, पेपर में गायब हो गया, वो नंबर्स आपको फिल करना है। वन टू थ्री, मैंने जो रेड पेन में डाला है वो पूरा गायब हो गया, मैंने लिख के भर किया, भर दिया, आप लोग भी ऐसे ही लिख के भरना है। ब्लैक में मैंने कर उधर जो दिया है वो नंबर्स उधर ही है, जो खाली जगह होगा उसमें नंबर नहीं है, जो नंबर उधर नहीं है, आप लोगों को पता है ना वन से कैसे लिखना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन के बाद वन वन इलेवन, उसके बाद वन टू ट्वेल्व दिया गया है, फिर वन थ्री थर्टीन, उसके बाद वन फोर फोर्टीन, ऐसे ठीक है, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन टू ज़ीरो ट्वेंटी, टू ज़ीरो ट्वेंटी के बाद कौन सी नंबर आएगा, इधर नहीं है, मैंने रेड पेन से लिखा है इसीलिए, टू वन ट्वेंटी वन, टू टू ट्वेंटी टू, फिर इधर दिया गया है ट्वेंटी थ्री, इधर गायब हो गया था टू फोर ट्वेंटी फोर, इधर टू फोर ट्वेंटी फोर लिखना है, टू फाइव ट्वेंटी फाइव, टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स, टू सेवन ट्वेंटी सेवन, टू एट ट्वेंटी एट, टू नाइन ट्वेंटी नाइन, थ्री ज़ीरो थर्टी, थ्री ज़ीरो थर्टी के बाद इधर दिया गया है थ्री वन थर्टी वन, उसके बाद थ्री टू थर्टी टू, थ्री थ्री थर्टी थ्री, थ्री फोर थर्टी फोर, थ्री फाइव थर्टी फाइव, थ्री सिक्स थर्टी सिक्स, थ्री सेवन थर्टी सेवन, थ्री एट थर्टी एट, थ्री नाइन थर्टी नाइन, फोर ज़ीरो फोर्टी, फोर ज़ीरो फोर्टी के बाद फोर वन फोर्टी वन, फोर टू फोर्टी टू, फोर थ्री फोर्टी थ्री, फोर फोर फोर्टी फोर, फोर फाइव फोर्टी फाइव, फोर सिक्स फोर्टी सिक्स, फोर सेवन फोर्टी सेवन, फोर एट फोर्टी एट, फोर नाइन फोर्टी नाइन, फाइव ज़ीरो फिफ्टी, फाइव वन फिफ्टी वन, फाइव टू फिफ्टी टू, फाइव थ्री फिफ्टी थ्री, फाइव फोर फिफ्टी फोर, फाइव फाइव फिफ्टी फाइव, फाइव सिक्स फिफ्टी सिक्स, फाइव सेवन फिफ्टी सेवन, फाइव एट फिफ्टी एट, फाइव नाइन फिफ्टी नाइन, सिक्स ज़ीरो सिक्सटी, सिक्स वन सिक्सटी वन, सिक्स टू सिक्सटी टू, सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री, सिक्स फोर सिक्सटी फोर, सिक्स ए सिक्स फाइव सिक्सटी फाइव, सिक्स सिक्स सिक्सटी सिक्स, सिक्स सेवन सिक्सटी सेवन, सिक्स एट सिक्सटी एट, सिक्स नाइन सिक्सटी नाइन, सेवन ज़ीरो सेवेंटी। ये बार बार लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इस हफ्ते हमने क्या क्या सीखा है, शेप्स ट्रायंगल सीखा है, नंबर नेम टू नंबर मैचिंग सीखा है, और आफ्टर बिटवीन बिफोर नंबर सीख लिया, एक न्यू टॉपिक टेंस वन सीख लिया,
और 1 to 70 तक मिसिंग नंबर सीख लिया। ये टॉपिक पूरा आप लोग बार बार करके प्रैक्टिस करना ही है। आपको जितना वर्कशीट मिला है वो पूरा वर्कशीट इफ पॉसिबल प्रिंट आउट निकाल के मम्मी ने दिया तो, मम्मी डैडी ने दिया तो वो उसमें करके फाइल अप करके लेके आना है स्कूल। अदरवाइज आपको प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, वो कॉपी करना है जो आपको मिल गया होगा मेल से, वो कॉपी एक कॉपी में करके वो पूरा लिख के फाइल करके लेके आना है। वैसे ही आपको मैथ्स कॉपी बॉक्स वाली कॉपी में आपको ये पूरा टॉपिक्स जितना मैं हमने वीडियो क्लासेस में सिखाया वो पूरा टॉपिक आप लोग आपका मैथ्स कॉपी में भी करके लेके आना है। बुक ले लीजिए। बुक लेने के बाद फर्स्ट बुक में ये रिलेटेड मैंने जितना अब तक सिखाया वो पूरा रिलेटेड टॉपिक्स पूरा उसमें करके बुक 1 कंप्लीट कर लीजिए। आपको हॉलीडे होमवर्क मिलेगा वो भी करके आइए। ओके, वो इतने काम करते वक्त आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि वर्कशीट पूरा आप लोग पहले ही कर चुके होंगे, इसलिए आप बैलेंस नहीं होगा। इस हफ्ते क्या ही बैलेंस होगा, है ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क मिलेगा क्योंकि इस हफ्ते के बाद आपको छुट्टियाँ हैं, 1 month छुट्टियाँ हैं। तब 1 month छुट्टियाँ में ऐसे ही आप अब अभी तो क्वारंटाइन है, हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे, है ना, घर के अंदर ही रहेंगे। ऐसे केस कितने देर खेल के रहेंगे, थोड़ी देर पढ़ाई भी करना है ना, तब इसीलिए आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, आपका हॉलीडे होमवर्क बैठ के कर लीजिए। खेल के भी कर सकते हैं, खेल के भी कर लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए, अपने को ख्याल रख दीजिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, एंड हम मिलेंगे क्लासेस में। पूरा आप लोगों का काम करके लेके आइए। बुक इतना उतना पॉसिबल है आप लोगों को जितना जल्दी ले सकते हैं उतना जल्दी लेके ये फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश मैथ्स का आपको होगा, जीके का भी होगा, फर्स्ट बुक में ही वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो इन आर्ट एंड क्राफ्ट। थैंक यू।